Okay. चलो एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड टू वन कैपेसिटर थ्रू एन ए सी अमीटर सेल बी अच्छा अगर हम इसको ए सी अमीटर से कनेक्ट कर दे एसी अमीटर से ठीक है वन माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है तो करंट कितना होगा देखो भाई हमें तो ये पता है कि टू हंड्रेड रूट टू साइन हंड्रेड टी तो ये ओमेगा है ओमेगा इज हंड्रेड ठीक है और ओमेगा को हम लिख सकते हैं टू पाई एफ इज इक्वल टू हंड्रेड तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फिफ्टी अपॉन पाई हर्ड ठीक है ये तो फ्रीक्वेंसी खैर फ्रीक्वेंसी उन्होंने पूछा नहीं है हमसे ये है ई नॉट या वी नॉट एक ही बात है तो वी नॉट आ गया टू हंड्रेड बाय टू हंड्रेड रूट टू तो वी आर एम एस आ जाएगा वी नॉट बाय रूट टू

अब एक रिलेशनशिप यूज करो आई आर एम एस इन टू एक्स सी इज इक्वल टू वी आर एम एस क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं ना सर्किट में आप अच्छे से देखो तो आई आर एम एस आ जाएगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्स सी वी आर एम एस है बहुत ध्यान से देखिएगा टू हंड्रेड है ना एक्स सी आ जाएगा वन फिर चार जीरो दो जीरो से दो जीरो कट गए टू बाई हंड्रेड टू बाई हंड्रेड होता है समझ बच्चों तो विल रीड सर, वही एक अपन है ना जो सर, उसमें की रीडिंग में में आंसर दिया है मतलब पीक करंट की वैल्यू में आंसर दिया एक क्वेश्चन में हमेशा उन्होंने दिया होगा ना एक क्वेश्चन अभी ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है इसमें कोई गलती नहीं है ठीक है

क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करके बताइए इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है है ना फ्रीक्वेंसी है सिक्सटी हर्ट्ज ठीक है तो एक्सएल कितना, कितना होता है याद है आपको ओमेगा एल और ओमेगा कितना होता है टू पाई एफ एल टू पाई एफ आ जाएगा सिक्सटी और एल हो जाएगा पॉइंट सेवन

थैंक यू आप लोग यस पे क्लिक करते हो ना तो मुझे समझ आ जाता है है ना ओके चलो अब आ, आई आर एम एस हमें चाहिए तो आई आर एम एस क्या होगा वी आर एम एस अपॉन एक्सएल एक्सएल अकेला इसलिए आया क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट है बच्चों ना रेजिस्टेंस है ना कुछ है सिर्फ इंडक्टर लगा है इसलिए ठीक है दिस इज वी आर एम एस दिस इज आई आर एम एस तो अब सिर्फ इंडक्टर है तो यही आएगा अगर रेजिस्टेंस भी होता तो नीचे जेड आ जाता ओके okay? बोलो समझे तो फिर सारे वैल्यूज रख देते हैं ठीक है अब अब आप में से किसी को डाउट है टू इंटू सिक्सटी हो जाएगा वन ट्वेंटी राइट सर एटी फोर पॉइंटिंग इंटू पाई इन पॉइंट सेवन तो वन ट्वेंटी से वन ट्वेंटी कैंसिल हो गया आई आर एम एस आ जाएगा वन टेन अपॉन पाई इंटू सेवन पाई को क्या लिखते हैं बच्चों ट्वेंटी टू बाई सेवन ना इंटू सेवन टेन बाइ टी टू अब टेन बाई ट्वेंटी है ना ये आंसर आएगा बच्चों ठीक है बोलो कोई भी डाउट बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है मिलेगा ही इस तरह के क्वेश्चंस तो आएंगे ठीक है आगे बढ़े एक बार एक्सी वाला और बता दीजिए फॉर्मूला वन अपॉन ओमेगा सी ये लिखा कैपेसिटिव रिएक्टेंस में ओमेगा सी इंडक्टिव रिएक्टेंस में डायरेक्ट ओमेगा ठीक है यस आगे बढ़े अजय okay. अब एग्जांपल नंबर ट्वेंटी वन करके देखते हैं आप लोग बताओ कैसे करना है आगे अर्पित कहा थे कल कल थे अभी भी जाए अच्छा होपफुली बढ़िया कनेक्टिविटी मिल रही है तुम्हें चलो फ्रीक्वेंसी फॉर विच इतने कैपेसिटर का रिएक्टेंस इतना होगा अच्छा मतलब एक्सी दे दिया वन बाय ओम अब बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए तो भैया हमें तो पता है ही होता है है ना और C की वैल्यू दी है ओमेगा निकाल देंगे 1 अपॉन ओमेगा सी दिया है 1000 मतलब ओमेगा सी हो जाएगा 1000 इसको इधर ले गए इसको इधर ले आए समझते हो इतना हाँ C कितना है बच्चों 5 इनटू 10 स्पार माइनस 6 इज इक्वल टू 1000 तो ओमेगा आ जाएगा 1000 अपॉन 5 इनटू 10 स्पार प्लस तो ये हो गया टू हंड्रेड इंटू पार सिक्स रेडियन लेकिन उन्हें फ्रीक्वेंसी चाहिए उन्हें ओमेगा नहीं चाहिए तो ओमेगा की जगह में लिख दूंगा टू पाई एफ इज इक्वल टू टू हंड्रेड इंटू सिक्स रेडियन अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा हंड्रेड बाय पाई इंटू पार सिक्स हर्ड्स तो ये हो जाएगा हंड्रेड बाई पाई मेगा हर्ड्स समझ गए टेन सिक्स को मेगा लिख दिया आंसर ए ठीक है बच्चों क्लियर है ओके दैट्स गुड दैट्स गुड ऋतिक समझ आया युवराज समझ आया बच्चे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यार एक्स बराबर वन अपॉन होमेगा और ऐसे क्वेश्चन लाए ही क्यों हूं जिसे तुम लोगों को फॉर्मला याद हो जाए ठीक है कंसिस्टेंटली क्लास में बने रहे मैं सारे फॉर्मूले रटा दूंगा आप रोज आए तो सही अब आपकी अटेंडेंस रोज नहीं रहेगी आप रिवाइज भी नहीं करेंगे तो फिर भूल जाओ ठीक है लेकिन वाला है ठीक है समझ गया ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या कहता है फ्रीक्वेंसी दे दिया पचास भी दे दिया अरे वो तो आएगा कैपेसिटर है बस इफ पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज 1.57 एंपियर मतलब आई नॉट दे दिया 1.57 और 1.57 मतलब पाई बाय 2 होता है सर है ना सर अगर प्योर कैपेसिटर है तो ऑप्शन देख के नहीं लगा सकते क्या आंसर क्या प्योर कैपेसिटर में की वोल्टेज तो वो -पाई बाय 2 से ही ट्रैक करेगा भैया कैपेसिटर में है? वोल्टेज जहां लैक करता है करंट लीड करता है बिल्कुल सही बात है है ना? लेकिन मैं देख लू पहले फ्रीक्वेंसी भी तो देखनी पड़ेगी किसी में फ्रीक्वेंसी पचास मतलब ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज है ना तो हमें okay. देखना पड़ेगा ओमेगा कितना है टू पाई एफ टू पाई इन टू फिफ्टी मतलब ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए हंड्रेड पाई तो ये चला गया रेस से है ना ऑप्शन बी रेस से हट ही गया फिर उसके बाद हमें ये देखना होगा कि आई नॉट तो दिया है तो ई e नॉट या वी नॉट कितना आएगा ई e नॉट या वी नॉट आएगा आई आए नॉट इन टू एक्स सी अब आई नॉट है 1.57 और एक्स सी है वन अपॉन ओमेगा सी है ना तो 1.57 मतलब पाई बाई टू खैर उसका समय आने पे हम वैल्यू रख देंगे ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई एफ एफ है 50. c है 100 into 10 to the power 6 ये लो इसको पूरा सॉल्व करोगे आप अब मैं 1.57 के असली रूप में रख देता हूं ये दो बार में पाई को काट देगा डू यू अंडरस्टैंड दैट 1.57 मींस पाई बाय 2 ये एक्चुअली पाई बाय 2 है तो इस पाई से ये पाई नीचे वाला पाई कट जाएगा और 1 बाय 2 बचेगा डू यू अंडरस्टैंड दैट हां तो इससे मैं दो बार में काट रहा हूं है ना

और वोल्टेज करता है लैग तो मैं लिखूंगा वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू अब मैं वी नॉट की जगह लिखूंगा 50 ओमेगा की जगह लिखूंगा 100 पाई माइनस पाई बाई टू अब आप देख लें कौन सा आंसर मैच कर रहा है दैट इज ए डू यू एग्री विद दैट सहमति है बच्चों और नहीं तो पूछ लो सहमति नहीं है तो है ना यस yes, पे क्लिक कर दो साहब ओके देख मैं आप सबको हाय भेजने की कोशिश करता हूँ अगर भेज पाया तो यहाँ आप लोग मुझे मैसेज भेज सकते हैं अभी मैं हाँ भेज पाया देखना आप सबको एक हाय मैसेज आया होगा आप यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं ठीक है ओके okay. आगे बढ़े यस सर ओके अगले सवाल की तरफ चलते हैं इन एलआर सर्किट थैंक गॉड एलआर सर्किट आया तब से प्योर प्योर सर्किट आ रहे हैं है ना पहला एलआर सर्किट आया सबसे पहले डायग्राम बना ले बिल्कुल क्वेश्चन को कम नहीं आके एकदम बेसिक से आगे बढ़े जल्दी नहीं है स्पीड नहीं चाहिए एक्यूरेसी चाहिए बिलीव में आपके तीन घंटे बच जाएंगे समय ज्यादा रहेगा ईएमएफ लगाया इन्होंने

थी yes, okay, very good, very good. और बाकी बच्चे जवाब देते भी नहीं है इतनी जल्दी वेरी गुड अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सएल इज इक्वल टू आर रख देते हैं आर तो ये हो जाएगा रूट टू आर तो जेड आ गया बच्चों फैक्टर क्या होता है बोलो आर बोलो आर पार फैक्टर इज आर बाय आ रहा है ठीक है बहुत बढ़िया अब पावर का फॉर्मूला बताओ एवरेज पावर का बोलो आई आर एम एस वी आर एम एस टू कॉस फाइव ठीक है अब देखो आई आर एम एस है हमें आई आर एम एस की जगह हमें ये लिख सकता हूँ देखो आई वी आर एस बराबर अपॉन क्या? या कम कम उन, कम उन। गलत देखा? गलत गेंग आई गेंग गेंग बराबर देखो आई आर एम एस ओवरऑल करंट रहेगा तो ओवरऑल वोल्टेज को वी आर एम एस को एल से डिवाइड करोगे या आर से डिवाइड करोगे या जेड से डिवाइड करोगे आई आर एम एस लो जेड से करोगे

अपॉन जेड स्कोर इन टू आर ठीक है अब वी आर एम एस इतना लिखो पहले चलो जगह खत्म हो गई मुझे मिनिमाइज करना होगा बहुत ध्यान से कि फूक फूक के रखना ये क्वेश्चन सीबीएसई सी बोर्ड में टू मार्क्स में आएगा अच्छे अच्छे बच्चे रो देंगे इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे रो देंगे बिल्कुल बैक फायर कर जाएंगे बढ़िया सवाल क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना बच्चों देखो ना अब वी आर एम एस क्या होता है बताओ बोलो वी नॉट बायू बोलो वी नॉट एस की जगह लिख रहा हूँ समझ गए किसकी जगह लिख रहा हूं, v लिख रहा हूं? जी बोलो हाँ वी आर एम एस का स्क्वायर था तो वी बाय रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा चलो जेड की जगह क्या लिख रहा लिख सकता हूँ जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ तो जेड की जगह लिख सकता हूँ रूट टू आर देखो ध्यान से डिस्को रहा है कहा दिख रहा है नगद वाले डिस्को उधार वाले खिसको समझे जेड स्क्वायर की जगह आ जाएगा रूट टू आर का होल स्क्वायर और एक आर पहले से तो एवरेज पावर फाइनली आ गया v नॉट स्क्वायर बाय 2 अपॉन 2r स्क्वायर स्कू r तो इस r से r गया गया और finally कितना आया आ ठीक है ठीक है बेटा तो फाइनली आपका आंसर रहेगा c e e नॉट v नॉट एक ही चीज है कंफ्यूज हुआ कर वोल्टेज को कभी v से दिखाए कभी e से दिखा देते आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर बीस ऑफ रेजिस्टेंस थ्री हंड्रेड वोमेन सेल्फ इंडक्टेंस वन पॉइंट फाइव चलो एक क्वाइल है ये क्वाइल है देखने पे तो ऐसी दिखती है लेकिन सच्चाई क्या है रेजिस्टेंस है हाँ, जब आप इसको अच्छे से देखते हो तो आपको पता चलता है इसकी सच्चाई ये है कि ये कोयल भी है और इसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी है समझ गए एक्सएल भी है आर भी है जब आपने अच्छे से देखा ठीक है अब इसको आपने एक एसी सोर्स से लगा दिया इस एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी है हंड्रेड बाय पाई अब इसका रेजिस्टेंस है तीन सौ ओम है फ्रीक्वेंसी दी है लेकिन एक्सल नहीं पता एक्सल निकालने में मदद करोगे तुम लोग ओमेगा एल ओमेगा क्या होता है टू पाई एफ इन एल चलो बताओ भाई जल्दी बताओ एफ कितना है हंड्रेड बाय पाई हर्ट्ज ये दिया है और एल कितना है वन पॉइंट पाई से पाई कट गया टू इन टू वन भैया और ये भी तीन सौ आ गया भाई ये भी तीन सौ आ गया एक्सएल भी तीन सौ आर भी तीन सौ है ना अब फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट मतलब दे वांट फाइव व्हाट दे वांट दे वांट वैल्यू ऑफ फाइव कैसे निकालें टेन फाइव का इस्तेमाल करेंगे निकाय को हम कॉस फाइव का कर लेंगे क्या दिक्कत है सर फिर वो हाँ कर लूँगा कॉस फाइव बराबर क्या होता है बोलो आर बाय जेड बोलो कॉस फाइव बराबर आर बाय जेड जेड कैसे निकालोगे जेड होता है एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर स्क्वायर है ना तो कॉस फाइव आ जाएगा आपका 300 अपॉन 300 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर अंडर रूट इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 300 को कॉमन बाहर निकालोगे तो तीन सौ का स्क्वायर कॉमन बाहर निकालोगे तो तीन सौ ही बाहर आएगा मतलब वन बाय रूट टू बच जाएगा फाइव आ जाएगा पैतालीस डिग्री अब इतना मैथ्स आपसे बन जाएगा थोड़ा सा समय देना उसको ठीक है अनिरुद्ध थोड़ा सा समय देना वो बनेगा उतना मैथ्स तो कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों तो के लिए तो टेन फाइव यूज करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना अरे कोई दिक्कत नहीं है जिसको जो सही लगे फ्रांस अगला दो दो फ्लाई है भाई है आगे बढ़े बच्चों जी सर ओके देखो आज का टारगेट हमारा है कितने क्वेश्चन 31 क्वेश्चन करना है हम कहां पर आ गए हैं पच्चीस पे आ गए जल्दी-जल्दी करो बच्चों चलो जल्दी-जल्दी अब देख के ही पता चल रहा है 5 पाई बाय थ्री है है ना देखो आई ये है और ई ये है मतलब फाइ पाई बाय थ्री है है ना और कॉस फाइ क्या होता है बोलो 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 आर बजर आर बजर और रेजिस्टेंस कितना है सौ है ना तो कॉस पाई बाय थ्री पाई बाय थ्री मतलब रितेक कितना साठ डिग्री ना बच्चों है ना है ना तो one by two हो जाएगा भैया मतलब ये होता रख रख दिया रग दिया आ गया, दो ओम। <laughs> और भैया जेड का फॉर्मूला क्या है बताना जरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्कवायर है ना है ना है ना बोलो 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 तो ना तो उन्हें जेड चाहिए ना तो उन्हें जेड चाहिए और आर तो उन्होंने दिया है उनको क्या चाहिए? और और कौन कर रहा है, बताओ? और वोल्टेज में लीड कौन कर रहा है ये वोल्टेज है ई मतलब वोल्टेज मतलब ये कैपेसिटर है कि इंडक्टर है इंडक्टर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब आप यहाँ Z की वैल्यू रखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इस फॉर्मूले में जेड की वैल्यू रखो तो एक्सएल आ जाएगा जेड है टू हंड्रेड टू हंड्रेड का स्क्वायर प्लस हंड्रेड का स्क्वायर दो सौ का स्क्वायर तो मतलब चार फिर इतने जीरो फिर सौ फिर दो जीरो बराबर एक्सएल का स्क्वायर तो ये आ जाएगा थ्री फिर चार जीरो अंडर रूट ये आया एक्सएल मतलब ये आया हंड्रेड रूट थ्री ओम

कंडेंसर पूछ लिया था वो तो वो अरे आप तुम यार दूसरी क्लास में मत लाया करो यार वो डाउट वो किसी किताब का मिसप्रिंट है उसको इसमें बोल बोलोगे तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे हम समझो ओके सर ये एकदम जो मैं <laughs> जो मैं आया हूं ना दैट इज परफेक्ट है ना जीरो एरर यहां पे गलती की संभावना नहीं है ठीक है समझ गया बाकी वो जो तुम लोग को तुम लोग जिन किताबों से करते हो उसमें थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है ठीक है समझ गया चलो आगे बढ़े जी सर ओके किसी को डाउट है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बात करो अजय समझ आ रहे है बच्चे टेंशन ओके गुड 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 होपफुली आयुषी को भी और अनिरुद्ध को भी समझ आ रहा है और अर्पित को भी समझ आ रहा है अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं एक बल्ब है वोल्ट का ठीक है भैया है बल्ब साठ वोल्ट का है दस वॉट उसका पावर है हम सौ वोल्ट के एसी सोर्स से और एक इंडक्टेंस कॉइल सीरीज में लगा दी और बल्ब फुल इंटेंसिटी से इलिमिनेट हो रहा है तो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन करना चाहते हो कराऊं के छोड़ दो कर लिया था करा दी यस yes, करा, करा दें ठीक है चलो देखो याद करो मैंने आपको बताया था कि जो बल्ब की पावर रेटिंग दी होती है है ना देर इज ओनली वन यूज ऑफ पावर रेटिंग देर इज ओनली वन यूज ऑफ पावर रेटिंग ऑफ बल्ब वॉट इज दैट टू फाइंड रेजिस्टेंस करेंटिंग ऑफ बल्ब करेंट भी फाइंड टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फेलामेंट जो मैंने पढ़ाया उसकी बात करो आप देख सकते हैं अलग से बल्ब वाला वीडियो बनाया है पावर yes, रख देता हूं दस वॉट वोल्टेज है बल्ब के साथ आर तो रजिस्टेंस आ गया है बल्ब का तीन सौ साठ होम क्या पूरी क्लास इतने में सहमत है कि हमने रेजिस्टेंस के बल्ब का फिलामेंट तो निकाल लिया कम से कम अब हम बल्ब को क्या मानेंगे बल्ब को बल्ब मानोगे या रेजिस्टेंस मानोगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस दुनिया के लिए होगा बल्ब ठीक है दुनिया के लिए होगा बल्ब तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है भैया ठीक है बच्चों तो तुम्हारे लिए ये सर्किट एक्चुअली आरएल सर्किट है क्या है ये आरएल सर्किट ठीक है रेजिस्टेंस और इंडक्टर सर्किट है ना और वी आर एम एस कितना है भाई और बहनों वी आर एम एस कितना है हंड्रेड वोल्ट हंड्रेड वोल्ट अभी तो शुरुआत तो ये अब रेजिस्टेंस अब बल्ब क्या है फुल ब्राइटनेस से जलता है मतलब भाई साहब को कितने वोल्ट चाहिए फुल ब्राइटनेस से जलने के लिए कितना वोल्ट चाहिए इसको फुल ब्राइटनेस से जलने के लिए सिक्सटी वोल्ट सिक्सटी वोल्ट चाहिए तो दे दो भाई साहब को सिक्सटी वोल्ट बल्ब को सिक्सटी वोल्ट दिए मतलब बल्ब की जगह कौन काम कर रहा है रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस को भी सिक्सटी वोल्ट दिए इंडक्टर को कितने वोल्ट दिए बोलो वीएल बोलो वीएल तो वीएल कौन कौन कहना चाहता है कि चालीस है नहीं कह रहे बोलना ही मत मारूंगा बेटा थप्पड़ चालीस मत बोल देना मैंने तुम लोग को कितनी बार बताया वी आर, वी आर और वीएल वी वी में संबंध ऐसे निकालेंगे

सिक्सटी का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे तो वी आ जाएगा अस्सी वोल्ट है ना अब इसको सॉल्व करके देखिएगा प्लीज प्लीज अपना भी थोड़ा मेहनत करें वीएल आएगा अस्सी वोल्ट तो अब उनको चाहिए क्या है इफ बल्ब इल्यूमिनेट्स विद इज फुल इंटेंसिटी देन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ओके हम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस निकाल देंगे लेकिन फिलहाल आप ये बताओ कि इंडक्टर के पास कितना वोल्टेज है 80 वोल्ट है है ना तो क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हो आई आर एम एस निकालने में बोलो बच्चों आई आर एम एस कैसे निकालेंगे हैं सर वो ओम से लगाएंगे ओम से लगा दो ये बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आया था बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आया था एक्सक्यूज मी 360 साक्षी इसका चार्जिंग लगाइए ठीक है बल्ब थी। का रेजिस्टेंस ये है और बल्ब का अक्रॉस वोल्टेज कितना है साठ है ना तो क्या आप करंट बता सकते हैं ये रेजिस्टेंस है थ्री सिक्सटी ओम वोल्टेज आपको पता है रेजिस्टेंस आपको पता है आई आरम कैसे निकाले बोलो आई आर एम एस क्या आएगा वी आर एम एस अपॉन आर वी आर एम एस है सिक्सटी और आर है थ्री सिक्सटी तो वन बाय सिक्स एम्पियर आ गया बोलना सर निकालना कुछ है निकाले कुछ पड़े हो आप आई आर एम एस निकाल रहे हो हमें एक्सएल चाहिए अरे भैया आपको एल चाहिए ना सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए ना मिलेगा आप बताओ सीरीज में करंट कितना होता है सीरीज़ में करंट कैसा होता है सेम होता है ना yeah. तो यही आई आर एम एस इससे बहेगा है ना बोलो बोलो है ना बच्चों बोलो तो क्या, yes. मैं क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ वीएल बराबर एक्सएल हाँ ना लिख सकता हूँ ना तो वीएल की जगह लिख दो अस्सी आई आर एम एस की जगह वन बाय सिक्स और यहां आ गया एक्सएल तो एक्सएल आ गया चार सौ अस्सी राइट एक्सेल आ गया 480 सौ ओम अब इस एक्सेल का यूज करूंगा मैं देखो एक्सेल आ गया 480 सौ ओम अब इसको मैं लिखूंगा ओमेगा इन एल अभी खत्म नहीं हुआ वो सो मत जाना तो एल बराबर फोर बाय ओमेगा अब ओमेगा कितना है 2 पाई एफ 480 एट्टी बाय टू पाई एफ कितना है 60। लो करो सॉल्व तो आया फोर पाई फोर बाय पाई मतलब एक से थोड़ा बड़ा आंसर है ए ठीक है बिल्कुल एवेल्थ पूछ सकता है सीबीएसई के लेवल का ही है ठीक है कुछ हार्ड नहीं है ये दिस इज नॉट हार्ड क्वेश्चन मतलब है तो कठिन लेकिन सीबीएसई पूछता है तो अगर आप बोलेंगे सर ये या आईआईटी का क्वेश्चन हमें क्यों करा अबे कोई आईआईटी का नहीं उन्नीस सौ में में राजस्थान पीएमटी में आया था दो कौड़ी का पिटा हुआ सवाल है लेकिन लेकिन कठिन है अपने आप में आ सकता है सीबीएसई बोर्ड में लेंदी है ना थोड़ा सा ठीक है आगे बढ़े चलो ये वाला सवाल देखते हैं ये कैसा है ये भी मुझे कठिन लगता है वाह स्टार क्वेश्चन देखो वेरी आई एम पी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब बच्चों बताओ इंडक्टर में इंडक्टर में e आता है जब आप डी फाइव बाई डी टी लगाते हो फ्लक्स बदलना चाहिए कि नहीं और फ्लक्स कब बदलेगा जब इसमें डीसी लगाओगे या जब इसमें एसी लगाओगे एसी करेक्ट जब करंट फ्लक्चुएट करेगा तभी तो फ्लक्स बदलेगा और जब फ्लक्स बदलेगा तभी तो ये पिक्चर में आएगा समझ में आया हमेशा याद रखो जब आप इंडक्टर में डीसी सोर्स लगाते हो तो वो सिर्फ क्या बन जाता है एक वायर वायर याद रखो जब भी आप इंडक्टर में डीसी लगाते हो तो वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बता पाता उसकी प्रॉपर्टी है लड़ाई करना लगाए हुए ईएमएफ के अगेंस्ट लेकिन इंडक्टर इंडक्टर जैसे कब काम करता है जब क्या लगाओ अल्टरनेटिंग सोर्स है ना तो जब आप इंडक्टर में डीसी सोर्स लगाओगे तो वो सिर्फ एक वायर की तरह काम करेगा ठीक है आई बात समझ में लिखो नोट व्हेन वी अप्लाई डीसी सोर्स अक्रॉस इंडक्टर इट एक्स एज वायर वायल्ट टू ओमेगा एल और डीसी का ओमेगा जीरो हो गया तो उसका सेल्फ रिएक्टेंस भी क्या हो गया जीरो समझ में आ डीसी का कोई फ्रिक्वेंसी थोड़ी होता है भैया समझ में आई बात हा तो फिर ऐसा क्यों किया इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ऐसा इसलिए किया कि जब डीसी सर्किट लगाया तो रजिस्टर तो in, तो कोयल का इंडक्टर का कौन सा वाला पार्ट सामने आएगा इसके अंदर एक रजिस्टेंस छुपा हुआ है सिर्फ रजिस्टेंस वाला पार्ट सामने आएगा सो इन क्वेश्चन द कनेक्ट डीसी सोर्स टू आइडेंटिफाई हिडन रजिस्टेंस पार्ट इन इंडक्टर इंडक्टर का जो रजिस्टेंस वाला पार्ट है उसे ढूंढने के लिए ये लोग डीसी सोर्स लगा के देते हैं क्वेश्चन में इतना लिखो जल्दी से रजिस्टेंस एडन होता है ना क्योंकि किसी ना किसी वायर से ही तो बनाए है. है ना अर्पित समझा ऋतिक किसी ना किसी वायर से ही तो बना है ना भूमिका ये है, है ना Yes, इतना लिख गया बच्चों इसको अब मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बनाते हैं अगर आपको रेजिस्टेंस वाला पार्ट सामने लाना है तो आप इंडक्टर में डीसी सर्किट जोड़ दो जब आप डीसी जोड़ते हो तो जो आपकी क्वाइल है जब आप डीसी जोड़ते हो तो क्वाइल किसकी तरह काम करती है बोलो रेजिस्टेंस बन जाती क्या बन जाती है क्वॉइल और अपना रेजिस्टेंस वाला चेहरा दिखाती है ठीक है जैसे आपको किसी का भी असली चेहरा देखना है ना तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर दो आप शब्द बोल दो सामने वाले का असली चेहरा तुरंत सामने आ जाएगा जब तक आप अच्छे हो तब तक उसका सेकेंड फेज सामने रहेगा जहां आपने गुस्सा किया असली चेहरा सामने आ जाए तो वैसे ही जैसे ही आप डीसी लगाओगे कंडक्टर में तो उसका रेजिस्टेंस वाला पार्ट सामने आ जाएगा ठीक है अब क्वेश्चन पढ़ो जब सौ वोल्ट डीसी लगाए ठीक है भैया सौ वोल्ट डीसी लगाए तो वन एम्पियर करंट बहा करंट कितना बहा वन एम्पियर मतलब रेजिस्टेंस कितना आएगा बोलो वी बराबर आई आर तो सौ वोल्ट लगाए तो वन एमपियर करंट है मतलब रेजिस्टेंस कितना आ गया भाई और बहनों um. मतलब अब फिर जैसे ही हमने ए लगाया तो ए लगाएंगे तो इस इंडक्टर के दो पहलू सामने आएंगे एक तो इसका इंडक्टर पार्ट और एक रेजिस्टेंस पार्ट तो रेजिस्टेंस कितने ओम का है सौ ओम का है जो ये हमें डायरेक्ट बताना नहीं चाह रहे थे फिर जैसे ही हमने एसी लगाया सौ वोल्ट करंट कितना हो गया करंट कितना हो गया अबे जल्दी बताओ .5 हो गया हो उसका। 0 .5 0 .5 0 .5. .5 बचा मतलब आई आर एम एस दिया है इन्होंने ये अब मैं आई आर एम एस और वी आर एम एस से क्या निकाल सकता हूँ और ओवरऑल वोल्टेज से मैं क्या निकाल सकता हूँ वेरी गुड जेड निकाल सकता हूँ जेड मीन इम्पिडेंस तो Z बराबर वी आर हो गया 100 I आर एम हो गया 0.5 तो ये आ जाएगा 200 ओम तो बच्चों अब इम्पिडेंस निकाल लिया आप क्या करूं इम्पिडेंस का ठीक है Z बराबर अंडर रूट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूल लगा देते हैं R पता ही है आपको 100 Z पता है 200 तो XL अभी भी निकाला था थोड़ी देर पहले और अब फिर से निकाल देता हूँ एक्सएल कितना आ जाएगा अरे हंड्रेड रूट थ्री आ जाएगा निकाला था ना थोड़ी देर पहले क्यों निकाला था या नहीं निकाला था याद आया या नहीं तो और आया था आया था ना हुँ. तो जेड निकाल दिया अपन ने रेजिस्टेंस की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो एक्सएल हंड्रेड रूट थ्री आ जाएगा अभी उनको क्या चाहिए और उनको इम्पीडेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ सोलिनोइ इम्पीडेंस कितना आएगा हंड्रेड रूट थ्री तो वो तो है ही नहीं ऑप्शन में मतलब आपको कोई ना कोई ऑप्शन चारों ऑप्शन गलत है चलो एल निकाल देते हैं है ना ऑप्शन लिख रहे हो ठीक है ऑप्शन आप हटा दो अब दोल की जगह क्या लिखो ओमेगा एल एक्सएल आ गया हंड्रेड रूट थ्री हंड्रेड रूट थ्री आएगा ना हाँ बिल्कुल हंड्रेड परसेंट यही आएगा हाँ बिल्कुल ओमेगा कितना है भाई टू पाई एफ टू पाई इन फिफ्टी into l तो ये 100 कट गया तो l आ गया रूट √3 π है ना अब रूट √3 होता है 1.732 और π होता है 3.14 कितना आ रहा है लगभग बताओ 0.5 से थोड़ा ज्यादा मतलब आएगा 0.86 हेनरी ये आएगा l समझ गए बच्चों तो क्वेश्चन बनाने वाले ने खुद ने गलती कर दी है हालांकि थोड़ा सा वहां पे ऑप्शंस गलत है समझ में आया आपको ये क्वेश्चन कोई डाउट हेलो अच्छा उनको इम्पिडेंस चाहिए था इम्पीडेंस तो 200 है सर कैलकुलेटर से कर रहे हैं ये ऑप्शन सही है ठीक है ठीक है इम्पिडेंस तो 200 है बच्चों इम्पीडेंस तो 200 है मतलब बी और डी गलत है अब वन तो आएगा नहीं पॉइंट फाइव आ रहा है पक्का जी सर हाँ तो फिर ए सही है अरे मैंने सोचा मैंने इंपीडेंस की जगह रिएक्टेंस पढ़ दिया एकदम सही है सब सही है मुझे लगा एक्सेल पूछ रहा हो तो जेड पूछ जेड तो 200 आया परफेक्ट दैट्स इट बच्चों समझ आया ओके ओके okay, okay. अब 28 कर दो कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज ना ये ना हो पाएगा अभी ये अभी नहीं पढ़ाया ये हो जाएगा एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है है ना सेल्फ इंडक्टेंस है 95.5 मिली हैनरी और रेजिस्टेंस है 40 ओम का और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 इम्पिटेंस चाहिए तो एक्सएल निकालना होगा बोलो एक्सएल होता उमेगा है ओमेगा एल ओमेगा मतलब टू फाइव बताओ रे कितना आएगा मैं थोड़ी करूंगा हर बार सॉल्व है कि नहीं फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज और एल हो गया 95.5 फाइव पॉइंट फाइव माइनस थ्री कौन करे इतना सॉल्व हंड्रेड नहीं ले सकते क्या उसको कितना आ रहा है ले सकते हैं उससे मतलब नहीं कि सॉल्व करके बताओ उससे हंड्रेड हंड्रेड नहीं ले सकते भैया ऐसे तो फिर अप्रोक्स 30 ले लूंगा मैं हो गया लो है ना

सर वो आ रहा है ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन एट सेवन सॉल्व करने के बाद हाँ ले लो ते ले लो और क्या वो थर्टी ले लो उसको और खत्म कर दो ठीक है ठीक है बच्चों सर अभी ऑफलाइन क्लासेस में कौन सा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है तुमने तुम्हें खुद जब तुम आई थी तभी बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है ओके सर ठीक है अब उसमें आ सकते हो पूरे है ना और अब तुम देखो उसमें नहीं आई क्या बोलते हैं अखिलेश सर की ऑफलाइन क्लास में तुम नहीं आई तो गलत है ना एक क्लास आई दो फिर आए नहीं बेटा पहले एफर्ट लगाने पड़ते तब समझ आता है बहुत कठिन है ये सारी चीजें अब केमिस्ट्री का एक और बैच शुरू होगा एकदम फ्रेश जीरो से शायद मुझे अखिलेश ने हिंट दिया था ठीक है तो उसमें आ जाना है ना ये कनेक्टेड रहना थोड़ा ये समय ना एक बार गया ना तो वो वापस थोड़ी आता है बेटा ठीक है सबसे कीमती समय है क्वेश्चन नंबर तीस तुम लोग ट्राई करना बन गया तो ठीक नहीं तो है ना राम भरोसे तीस इकतीस तुम लोग ट्राई करना मैं ये नोट्स आपको जरूर भेज दूंगा होपफुली आप लोगों को सारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई आज हमारी ये समझ लो ए सी को आज अपन ने काफी अच्छे से हैंडल कर लिया खत्म है